अब आते हैं उस मुद्दे पर, अगर आप पहली बार मई 20 में 21 में या नवंबर 21 में आप एग्जामिनेशन लिख रहे हैं सी ए फाउंडेशन का, तो आपके पास में बहुत अच्छा अवसर है। आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एसपीसी के साथ में सी ए फाउंडेशन के। अब मैं सी ए फाउंडेशन के क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा जो भी था सी ए इंटर का बोलकर हो गया। आई वुड टॉक अबाउट जिनको सी ए फाउंडेशन चाहिए उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब सी ए फाउंडेशन में वो स्टूडेंट है जिन्होंने अब सी ए फाउंडेशन पहली बार देना है, तो आपके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। लाइव स्ट्रीमिंग की बैच जो है 22nd February से चालू हो रही है, और वो लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस में भी होगा। जो लोग पूना में आके पढ़ना चाहते हैं तो फेस टू फेस पढ़ेंगे, वापस इसमें भी हम लोग आपको एकोमोडेशन की सुविधा देते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया, एकोमोडेशन का जो है ऑलमोस्ट मतलब हमें लगता है कि 75% कैपेसिटी हमारा फुल हो चुका है। पर जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट मेरे वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इमीडिएटली, है ना। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे और आप बोले कि सर एकोमोडेशन चाहिए और हमारे पास में वो उपलब्ध ना हो। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर यहाँ पे दिया होगा, जस्ट टॉक टू देम। अब यहाँ पे भी वही बात है, फेस टू फेस हो लाइव स्ट्रीमिंग हो, दोनों 22 तारीख चलो, सेम जिस समय पे यहाँ पे लाइव चलेगा, लाइव बैच फेस टू फेस चलेगा उसी समय पे लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा। फेस टू फेस अपनी मर्जी है, अगर आपको लगता है यहाँ पे आके पढ़ना तो आप आके पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग पर भी वही चलेगा। क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं, नोट्स में कोई फ़र्क नहीं, कंटेंट में भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एसपीसी प्लेयर पर आपको ये लेक्चर दिए जाएंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये 5 दिन ये लेक्चर जो है पूरी तरह से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। 5 दिन के अंदर आपको समय मिल जाएगा, अगर आपको लगता है अपने आपको रजिस्टर करना है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, उसके बाद यू विल बी गेटिंग आई डी पासवर्ड। तो जिन लोगों ने आई डी पासवर्ड लिया है उनको सबको लेक्चर्स दिखने लगेंगे एसपीसी प्लेयर पर, है ना। तो आपको समझ आएगा, कुल मिलाकर 22 तारीख की बैच जो चालू हो रही है उसके लिए आपके पास में, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारा फी स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। लाइव स्ट्रीमिंग की कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होता है फेस टू फेस में। 2 ऑप्शन है, एक तो हमारे साथ में एकोमोडेशन करना है, एक तो विदाउट एकोमोडेशन। फीस आपके सामने आप देख सकते हैं, तारीख 22 याद रखें। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे सर हम आ रहा, अगर अटेम्प्ट जो है अगर हमारा अटेम्प्ट पहली बार हम लोग लिख रहे हैं मई में या नवंबर में और हमको इस ऑप्शन से नहीं पढ़ना है, तो क्या हम लोग पेन ड्राइव से पढ़ सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप पेन ड्राइव से पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग के पास में पेन ड्राइव का ऑप्शन तो हमेशा ही अवेलेबल होता है, ये आपके पास में पेन ड्राइव का ऑप्शन है। ये पेन ड्राइव के ऑप्शन जो है आप ये जो डेटा है ये पेन ड्राइव फॉर्मेट है, ये मोबाइल पर भी चलता है, लैपटॉप पर भी चलता है, इसमें भी सारा कंटेंट लेटेस्ट होगा, अपडेट होगा। यानी कि जिन लोगों के पास में, जिन लोगों को अगर पहली बार सी ए फाउंडेशन का अटेम्प्ट लिखना है, उनके पास में 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 आप फेस टू फेस कर सकते हैं 22 तारीख से, ऑप्शन नंबर 2 22 तारीख से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आप अपने ही मोबाइल पर या लैपटॉप पर पेन ड्राइव ला कर देख सकते हो। वापस से कहना, सभी के कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं, नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं, आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। और एक 4th ऑप्शन हमने इन दिनों में बच्चों के कन्विंस लाया, बहुत लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं, बोलते हैं ऐसा मॉडल हमारे सी ए में क्यों नहीं है, तो वी हैव इंट्रोड्यूस 4th मॉडल दैट इज ओटीटी मॉडल। ये भी ऑप्शन सी ए फाउंडेशन में उपलब्ध है, इसकी फीस भी लगभग पेन ड्राइव इतनी होती है। तो सबसे ज़्यादा फीस फेस टू फेस की, बाकी तो कम कम फीस है, बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट फीस रखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब ये उनके लिए जिनको मई और नवंबर में फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन लिखना है। पर इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हम लोग मई में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मई की एग्जामिनेशन बच्चों जून में होने वाली, तो सवाल होगा आपका कि सर हम लोग फेस टू फेस बैच करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे यदि, तो क्या हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो पाएगा अगर हम लोग मई या जून अटेम्प्ट लिख रहे हैं? तो मेरा कहना है 60 से 70% पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास 22 तारीख को चालू होगी, 3 साढ़े 3 महीने में आपका 60 से 70% खत्म हो जाएगा पोर्शन। बाकी पोर्शन आपको मोबाइल पे बैकअप दिया जाएगा, उससे ओटीटी फॉर्मेट में आपको वो लेक्चर्स खत्म करना होगा। कोई भी डाउट नहीं आएगा, सिर्फ मेरा काम है आपको बताना। हाँ, अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस बैच प्रॉपरली खत्म होगी, सब कुछ उसी से खत्म हुआ, अलग से मोबाइल पे देखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर होगी, ओके आगे बढ़ेंगे। अब जिनका अटेम्प्ट दोस्तों अभी मई में है और पर जिन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दिया है और वो लोग पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने फाउंडेशन, मतलब देखो अपने फाउंडेशन के एग्जामिनेशन दिया पर आप पास नहीं हुए किसी वजह से, ये तो आपको बुरा लगता होगा और फिर आपको डाउट भी होता है अगर मैं सर फेल हो जाता हूँ तो मैंने क्या करना चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन है आपके सामने, आप क्या कर सकते हैं,
45 डेज में फास्ट ट्रैक का बैच ले सकते हैं एंड दिस 45 डेज यू विल बी एबल टू फिनिश द एंटायर पोर्शन ऑफ सीए फाउंडेशन। आपको सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा, लेटेस्ट नोट्स के साथ में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और ये बैच आपका है लाइव स्ट्रीमिंग मोड पर चालू होगा 15th ऑफ फेब से, फेस टू फेस नहीं होगा, फास्ट ट्रैक बैच चालू होगा। जो लोग एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं, जो अब फटाफट पढ़ के पूरा पोर्शन एक बार ख़त्म करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक बैच में सब कुछ कवर होगा पर थोड़ा फास्ट होगा और इतना ज़्यादा रिविजन नहीं होगा। और जैसे कि कोई चैप्टर में 20-25 प्रॉब्लम है तो 8-10 प्रॉब्लम ले जाएगा, थोड़ा सा लिमिटेड किया जाता है। 225 से 250 घंटे में पूरा पोर्शन ख़त्म किया जाता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिन्होंने 170, 160, 150 ऐसे आते हैं, लोगों मार्क्स आते हैं 180 आते, 190 आते, तो ऐसे लोगों ने जिनको लगता है अपना ऑलरेडी अच्छे से खासा पढ़ा हुआ पढ़ाई हो चुकी है, तो यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस। इसके भी दूसरा ऑप्शन है, अगर आप उसे पेन ड्राइव में पढ़ना चाहते हैं तो 1 तारीख से फास्ट ट्रैक बैच की 1 तारीख से पेन ड्राइव डिस्पैच होना चालू हो जाएंगी। आज से आप उसको अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, यानी कि जिनको फास्ट ट्रैक करना है उनके पास 2 ऑप्शन है, एक लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं 15th फेब से, या फिर वो ले सकते हैं पेन ड्राइव जिसका डिस्पैच होगा 1st ऑफ मार्च से। आई थिंक ये बात को भी आपको क्लियर हो गई है। पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं, सर मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं, भले ही मेरा मेन अटेम्प्ट है, तो आई वुड आस्क देम टू ज्वाइन गो फॉर फुल कोर्स पेन ड्राइव जिसमें पूरा का पूरा पोर्शन होगा आपका। वैसे भी अटेम्प्ट जून में आने वाला है, तो आप यू कैन कवर द एंटायर पोर्शन। अब फास्ट ट्रैक लेना है, फुल लेना है, डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई और आपका एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है उसके ऊपर वो है। तो ये सारी बातें मुझे आपको बेहद बताना ज़रूरी मैं समझ रहा था, पर मैं सोचता हूँ कि अगर जो चीज़ मेरा, अगर आप मैं आपका मैं स्टूडेंट होता और अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है और फिर भी अगर मैं उसे खुद से ही क्लासेस करना चाहता हूँ और फिर भी मैं लड़ाई अपनी खुद लड़ना चाहता हूँ, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। पर अगर मान लीजिए आप इस बार आपने लॉ दिया था, लॉ में आप फेल हो, वापस से आप खुद करोगे और गलती से फेल हो, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? अगर आपको लगता है नहीं कोई, अगर आपको लगता है कोई एक आधा सब्जेक्ट आपको लगता है डिफिकल्ट या 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं, तो सीए फाउंडेशन के चाहे फुल कोर्स हो चाहे फास्ट ट्रैक में आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एज वेल, है ना? तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है। तो और इसमें बाकी तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के नंबर यहाँ पर दिए होंगे, आपको कॉल कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।